नमस्कार दोस्तों, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स ऑफ ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम है। एक सामान्य इन्वेस्टर के लिए ये समझना दोस्तों बहुत जरूरी है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ईएलएसएस कहलाता है, इस ईएलएसएस के क्या फीचर्स होते हैं और ईएलएसएस में यदि आपने निवेश किया है तो उसके टैक्सेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या है। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों मैं आपके समक्ष ईएलएसएस से जुड़े टैक्सेशन एस्पेक्ट्स लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके समक्ष व्हाट इज ईएलएसएस, ये एक टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है सामान्य जन के लिए, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि अच्छा ये ईएलएसएस है क्या सर। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें यदि आप निवेश करते हैं तो उस निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में डिडक्शन मिलता है, यानी जितना आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए की सीमा तक वो निवेश का आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगा, यानी आपको टैक्स लायबिलिटी की बचत होगी। लेकिन टेक्निकली इस ईएलएसएस की डेफिनेशन को समझना भी जरूरी है। एज अ लेमैन हम समझे कि एज पर सेक्शन 112 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है और ईएलएसएस का भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना जरूरी है। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड मीन्स अ फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 23D ऑफ सेक्शन 10 और अंडर स्कीम ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी कंप्राइजिंग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज टू विद द एग्जम्पशन अंडर क्लॉज 10D ऑफ द सैड सेक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो देयरऑफ। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा अपने डिस्कशन को दोस्तों, आपके समक्ष ये बात रखूंगा कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही फर्दर ईएलएसएस के रूप में बनता है, या ये भी कह सकता हूं कि ईएलएसएस वो म्यूचुअल फंड है जो बाय डिफॉल्ट एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी होता है। अब ये जो ईएलएसएस है जो कि एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड होने के साथ में ईएलएसएस के रूप में जाना जाएगा, यहां इक्विटी ओरिएंटेड फंड होने की उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड कब है, और मैं फिर बोलूंगा सर कि एक ईएलएसएस पहले इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसके बाद में वो ईएलएसएस कहलाएगा। सो इन केस वेयर द फंड इन्वेस्ट द यूनिट ऑफ अनदर फंड इन्वेस्ट इन द यूनिट ऑफ अनदर फंड विच इज ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अ मिनिमम ऑफ 90% ऑफ टोटल प्रोसीड ऑफ सच फंड इज इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ सच अदर फंड। सिंपली स्पीकिंग सर, कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में स्कीम में पैसा लगाया, वो खुद को ईएलएसएस क्लेम करता है, तो ये म्यूचुअल फंड हो सकता है किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो और वो दूसरे म्यूचुअल फंड में जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 90% ऑफ टोटल प्रोसीड ऑफ फंड अपनी दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट में इन्वेस्ट कर रहा है एंड सच अदर फंड ऑल्सो इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 90% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड इन द डोमेस्टिक कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। या ज्यादा कैटेगरी ईएलएसएस की कौन सी होती है जिसको हम बोलते हैं इन एनी अदर केस अ मिनिमम ऑफ 65% ऑफ टोटल प्रोसीड्स ऑफ द फंड आर इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे हमें कंपोजिशन मिलता है दोस्तों। क्या कंपोजिशन मिलता है कि यदि आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की यूनिट में और वो म्यूचुअल फंड ये कहता है कि सब हम ईएलएसएस हैं, तो और मैंने आपको बोला कि ईएलएसएस वो है जो कि एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो उस म्यूचुअल फंड को जिसकी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है वो स्कीम का मिनिमम 65% लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टेड किया गया होगा। तो आप ये समझिए सर कि यदि आप किसी ईएलएसएस में लगा रहे हैं तो रिलेवेंट फंड म्यूचुअल फंड जिसकी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उसे भी यह सुनिश्चित करना है कि उसके इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% पैसा लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में लगा हुआ है। तो इससे आपको एक रिस्क एक्सपोजर मिलेगा। क्या कि आप जिस ईएलएसएस फंड में लगा रहे हैं आपने 100 रुपए लगाए तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 65 रुपीज उसमें से म्यूचुअल फंड हाउस शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा लिस्टेड शेयर में और बाकी पैसा वो डेट में या लिक्विड में भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक कंपोजिशन बन रहा है ईएलएसएस के अंदर कि आपके द्वारा दिए गए पैसे को म्यूचुअल फंड हाउस
मिनिमम 65% तो लगाएगा लिस्टेड शेयर में, और मिनिमम है ये 65, इससे ज्यादा भी लगा सकता है, और बाकी का 35% या उससे कम राशि वो बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में या अन्य लिक्विड सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने की फीचर्स ऑफ PLSS और डिटेल से थोड़ा सा रखने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या है, इसके क्या मुख्य फीचर्स हैं। वन, ELSS offers tax deduction up to Rs. 1.5 lakh under section 80C. तो जो 80C के अंदर दोस्तों हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से, ELSS उन्हीं ग्रॉस टोटल इनकम में से क्लेम किए जाने वाले 80C के डिडक्शन में जो क्वांटम है 1.5 लाख उसका एक हिस्सा है। अब पूरा अमाउंट भी 1,50,000 ELSS का हो सकता है, या मान लीजिए आपका प्रोविडेंट फंड या NPS का कंट्रीब्यूशन ही 1,00,000 हो गया हो तो रिमेनिंग अमाउंट भी आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS फंड कम्स विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड देर आर नो प्रोविजंस टू मेक अ प्री मेच्योर एग्जिट और विड्रॉल। तो इसीलिए मैंने पहले एक शॉर्ट के थ्रू भी कहा है दोस्तों कि ELSS में इन्वेस्ट तभी करना है जब आपको टैक्स सेविंग होनी है। यदि आपको टैक्स सेविंग नहीं होनी तो आप ELSS की जगह नॉर्मल म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 1,50,000 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट में और ATC अब उनकी कैप हो गई, अब वो एक्स्ट्रा 50,000 म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं तो वो 50,000 ELSS में लगाने की जगह नॉर्मल म्यूचुअल फंड में लगाएं ताकि उनकी लिक्विडिटी पे दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड है और वो टूट नहीं सकता। One may invest any amount in ELSS. There is no upper capping. While the minimum investable amount varies across the fund houses. तो सर कोई कैपिंग नहीं है कि आप ELSS में कितना लगा सकते हैं। यहां मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा तो 1,50,000 रुपए हमें समझ में आता है कि 1.5 से ज्यादा मैं क्यों ELSS में लगाऊं। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको रोकेगा नहीं यदि आप ELSS में 1,50,000 से ज्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं तो। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फंड हाउस डिसाइड कर सकता है कि आपको 500,000 कितना मिनिमम लगाने देगा इन्वेस्टमेंट। ELSS funds are only tax saving investment with a potential to offer inflation beating return. Potential है सर इनमें एक inflation beating return का। inflation beating का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंडिया में प्रेजेंट inflation 6-7% चल रही और आप ELSS funds का एक एवरेज देखेंगे तो 3-5 साल का उनका एवरेज मान लीजिए 11-12% आ रहा है। तो अगर आपने inflation से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमाई है तो दोस्तों ये आपके लिए उस दृष्टि से देखने की एक प्रक्रिया है कि अच्छा मेरे इन्वेस्टेड फंड पे यदि मैं इन्फ्लेशन से ज्यादा अच्छी रेट पे रिटर्न कमा रहा हूं तो वो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करने योग्य है। इन्वेस्टिंग इन ELSS फंड गिव्स इन्वेस्टर ट्विन बेनिफिट्स। ट्विन बेनिफिट का मतलब दो बेनिफिट, एक तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा और दूसरा आपकी वेल्थ क्रिएशन, यानी आपने जो म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदी है ELSS में दोस्तों यदि उनकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी कैपिटल की भी एप्रिसिएशन हो रहा है। और लास्ट पॉइंट, द पोर्टफोलियो ऑफ एन ELSS फंड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज है ना, सो और कुछ बैलेंस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इक्विटी। आप ध्यान करेंगे मैंने अभी आपको बोला कि मिनिमम 65% तो इक्विटीज में जाएगा और बाकी का पैसा जो होगा दोस्तों वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में रखा जा सकता है। इससे क्या होता है म्यूचुअल फंड हाउस रिस्क को मैनेज करता है। मान लीजिए शेयर मार्केट गिरने जा रहा है उनके ओपिनियन में तो हो सकता है अपने इन्वेस्टेबल फंड्स का मैक्सिमम पोर्शन उस समय के लिए फिक्स इनकम सिक्योरिटी में कर लें। उन्हें लगता है अब शेयर मार्केट तेज है तो जो रिलेवेंट फंड हाउस है वो इक्विटीज में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है। इस प्रकार से जो फंड हाउस के मैनेजर होते हैं दोस्तों वो क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यदि मैं बात करूं जिसको शेयर मार्केट का एक्सपोजर नहीं है उसके लिए ELSS एक अच्छा ऑप्शन है जिससे उनकी वेल्थ क्रिएशन भी हो सकती है और टैक्स सेविंग भी हो सकती है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बात यहां पर रखना चाहूंगा कि ELSS में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या क्या ऑप्शन रिटर्न के लिए मिल सकते हैं। नंबर वन, डिविडेंड पे आउट, कि आपको वहां एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हाँ साहब इस ELSS में, क्योंकि आप यदि पैसा देंगे म्यूचुअल फंड को तो म्यूचुअल फंड उससे डिविडेंड इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग करेगा तो वो आपको कुछ डिविडेंड बांट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ साहब मुझे समय समय पर कुछ इनफ्लो होता रहे तो ये एक डिविडेंड पे आउट ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं मैं जानना तो चाहता हूं मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा पर वो डिविडेंड मुझे लेना नहीं है, उस डिविडेंड को म्यूचुअल फंड री इन्वेस्ट कर दे तो वो आपको नई यूनिट्स अलॉट कर देंगे। और तीसरे में ग्रोथ ऑप्शन जिसको कहते हैं दोस्तों, उसमें आपको कोई डिविडेंड भी नहीं डिक्लेयर होगा, आप ये मानिए कि आपकी यूनिट की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी एज्यूमिंग दैट कि आपका जो डिविडेंड का हिस्सा होता है उतने एक्सटेंट तक आपकी NAV बढ़ा करके आपको रिलेवेंट म्यूचुअल फंड देता रहेगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में
रिटर्न की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी एक्युमुलेट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा दोस्तों उस सूरत में तो आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन अच्छा है। और अगर आपको रेगुलर पेमेंट चाहिए कि आपका इनकम का फ्लो बना रहे, तो डिविडेंड पे आउट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब अगला क्वेश्चन आया दोस्तों कि अच्छा ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट से कितने तरीके की इनकम हो सकती है, तो नेचर ऑफ इनकम मेरी ओपिनियन में या तो दोस्तों डिविडेंड के रूप में होगा, या आप जिस दिन ईएलएसएस को बेचेंगे आप बोलेंगे अनुज जी लॉक इन है या तो 3 साल का, तो हाँ दोस्तों जब आपका लॉक इन खत्म होगा 3 साल का उसके बाद आप उन यूनिट्स को बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है बेचना है, पर 3 साल बाद आपका लॉक इन खत्म है, तो 3 साल बाद यदि आप ईएलएसएस को बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन की इनकम भी हो सकती है, और वो कैपिटल गेन या मान लीजिए किसी वजह से लॉस में बिका तो कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अब दोस्तों चर्चा करता हूं कि अगर आपको डिविडेंड इनकम हुई तो उस पर क्या रेट से टैक्स लगता है, तो डिविडेंड इनकम पर सर स्लैब रेट से आपको टैक्स लगेगा अगर आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने स्वयं के लिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में ओल्ड स्लैब सेलेक्ट किया या न्यू स्लैब सेलेक्ट किया, उस स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स अल्टीमेटली लगेगा आपकी डिविडेंड इनकम पर, और प्राइमा फेसाई या अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। अब बात करता हूं दोस्तों कि टैक्स ऑन कैपिटल गेन कैसे लगेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही यहां होना चाहिए क्योंकि 3 साल बाद का कैपिटल गेन तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और ईएलएसएस क्योंकि एक तरीके का इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है दोस्तों, तो 12 महीने की होल्डिंग के बाद में यहां जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं मानता हूं ईएलएसएस से तो आपको 10% टैक्स लगेगा। कैसे, जैसे आपने कोई यूनिट खरीदी थी सपोज 25 रुपए की और 3 साल बाद वो यूनिट बिकी आपकी 40 रुपीज की, तो आपको 15 रुपए का गेन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 1 लाख यूनिट खरीदी थी तो देन इन दैट केस आपको 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख का गेन हो गया। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको यहां पर 15 रुपए पर यूनिट का गेन, 1 लाख यूनिट पर 15 लाख का लॉन्ग टर्म गेन हुआ। 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A टैक्सेबल नहीं होता, इसके बियॉन्ड वाले पर आपको 10% टैक्स लगेगा। तो यदि एसएससी के पास केवल यही लॉन्ग टर्म गेन है और कुछ नहीं है तो इसमें से 1 लाख घटा देता हूं दोस्तों, 14 लाख पर 10% की रेट से एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और टेक्निकली मैं बोलूंगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा, परंतु क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 3 साल से कम की अवधि में बेचे ही नहीं जा सकते, ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, तो यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट प्रैक्टिकली आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। दोस्तों लास्ट में एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि एक बात ध्यान रखिए कि टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस एक इंपॉर्टेंट रिटर्न पेइंग इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों ही सूरत में यदि आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनकम टैक्स की धारा 80C में डिडक्शन क्लेम करने योग्य है। मैं एक बात बार बार दोहराता हूं दोस्तों कि ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट तभी करना है एज कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड जब आपको टैक्स की बचत हो रही है 80C की लिमिट्स में। यदि आपको टैक्स की बचत के लिए 80C की लिमिट 1.5 लाख की ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है तो आप अदर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वहां पर आपका लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, आपको शॉर्ट टर्म बेचना है शॉर्ट टर्म बेचिए, लॉन्ग टर्म बेचना है आप उस म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म बेचिए, वहां आपको लॉक इन पीरियड से मुक्ति मिलेगी। तो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या होगा या अन्य कई बातें क्या आपको ध्यान रखनी है, मैंने वो सारी बातें दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करी। यदि कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की भी कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।